हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में जीन इंटेक्शन का इंट्रोडक्शन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा था, और आज हम इस लेक्चर में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका कॉन्सेप्ट और उसे देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसे हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स के बेस पे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग आज कौन कौन सा लेंगे, तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग लेंगे वो लेंगे फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट, जैसे ओके। और दूसरा है वो लेंगे हम लोग फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। ओके, इसको हम लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। क्लियर? तो आज हम लोग जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसे हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेके, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या होगा, फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट, और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे फ्रूट फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा 4 o'clock। तो इन दो एग्जांपल्स को लेके हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर कलर ऑफ एग प्लांट के साथ। क्लियर? फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट लेंगे और इसमें देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने पहला एग्जाम्पल फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट लिया, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं सपोज प्योर पर्पल कलर। ओके, तो प्योर पर्पल का जो जीनोटाइप हम लोग ले लेते हैं कैपिटल पी, तो इट विल बी अ प्योर पर्पल। क्लियर? इसे हम लोग क्रॉस कराएंगे प्योर वाइट के जीनोटाइप से या प्योर वाइट पेरेंट से, ठीक है। तो इसे हम लोग ने क्रॉस कराया स्मॉल पी, ये क्या है, ये प्योर वाइट है, ठीक है। तो एक आपका पेरेंट जो हो गया वो प्योर पर्पल और दूसरा जो पेरेंट है वो है प्योर वाइट। अब इसका हम लोग क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा F1 जनरेशन में, कैपिटल पी स्मॉल पी, ऑब्वियस की बात है। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। क्लियर? अब हम लोग इसकी सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है। तो कैपिटल पी स्मॉल पी, इसकी सेल्फिंग हुई कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। अब इसे हम लोग समझेंगे पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से। क्लियर? तो पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से समझेंगे हम लोग इसे। तो एक आपका गैमेट हो गया कैपिटल पी, दूसरा हो गया स्मॉल पी, सेम ऊपर भी होगा कैपिटल पी स्मॉल पी। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट से जो गैमेट है उन्हें फ्यूज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी देन स्मॉल पी, ठीक है। तो हमें F1 जनरेशन F2 जनरेशन में 4 प्लांट्स मिले, ठीक है। अब देखिए इन 4 प्लांट्स में क्या होगा, अगर आपको जो जीनोटाइप है अगर वो कैपिटल पी मिले, ठीक है, जहां पर भी कैपिटल पी मिले तो इट विल बी अ पर्पल। क्लियर? अगर आपको स्मॉल पी मिले इसका मतलब इट विल बी अ वाइट। क्लियर? जो कि हम लोग ने मेंडल के जो फर्स्ट लॉ या हम लोग कैसे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था कि अगर कैपिटल पी डोमिनेंट है, सॉरी अगर हम लोग हाइट कैरेक्टर लेके करें तो अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है तो द प्लांट विल बी टॉल। ओके, इफ द हेटरोजाइगसी प्रेजेंट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट देन आल्सो द प्लांट विल बी टॉल। ओके, व्हाट वी स्टडीड इन द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इफ कैपिटल टी प्रेजेंट देन द प्लांट विल बी टॉल, if capital T small t present then also the plant will be tall, if small t present then the plant will be dwarf। तो हम लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी थी मेंडल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। लेकिन अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि जो रेशियो आएगा, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं जो प्लांट्स आएंगे उसका जो फ्रूट कलर होगा जो एग प्लांट का वो वेरी करेगा, ठीक है। जैसे कैपिटल पी अगर प्रेजेंट है तो इट विल पर्पल, स्मॉल पी प्रेजेंट देन द प्लांट विल बी व्हाइट, बट हियर इफ कैपिटल पी एंड स्मॉल पी प्रेजेंट देन द फ्रूट कलर ऑफ द एग प्लांट विल बी वायलेट।
ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, उसे डेविएट कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट को टॉल ही होना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग मेंडल लॉ। इसमें क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी है तो प्लांट को पर्पल होना चाहिए था, वाई इट इज वायलेट। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है कि वाई द प्लांट इज वायलेट, ठीक है, क्लियर। सो अब अगर हम लोग F2 जनरेशन में जो प्लांट, हमें फोर प्लांट्स मिले इन F2 जनरेशन, अगर इसमें हम लोग देखें तो देखिए कैपिटल टी पी कैपिटल पी प्रेजेंट है, तो हमें प्लांट कैसा मिलेगा, पर्पल, और उसका जो फ्रूट कलर होगा एग प्लांट का वो पर्पल होगा, और कैपिटल पी स्मॉल पी प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो फ्रूट कलर होगा एग प्लांट का वो होगा वायलेट, क्लियर। फिर देखिए कैपिटल पी स्मॉल पी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी जो फ्रूट कलर होगा वो वायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल पी प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, वाइट। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कैपिटल पी है तो इट विल बी पर्पल, स्मॉल पी है तो इट विल बी वाइट, बट व्हेन द हेटरोजाइगस इज हैविंग टू डिफरेंट एलील्स दैट इज कैपिटल पी स्मॉल पी, देन द प्लांट विल बी वायलेट। ओके, अब अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, अगर बाहर से देखने में प्लांट आपको कैसा लग रहा है, सपोज हम लोगों ने ले लिया पर्पल इज टू वायलेट इज टू वाइट, क्लियर। यहां पर भी जीनोटिपिक रेशियो में देखेंगे पर्पल इज टू वायलेट इज टू वाइट। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसका जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंस इट विल बी अ सेम, लाइक पर्पल कितने 1, वायलेट कितने 2 इज टू वाइट कितने 1, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1, एंड आल्सो द जीनोटिपिक रेशियो इट विल आल्सो बी सेम 1:2:1, क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन द ट्रेट डिस्प्लेस द, ओके, तो इसका क्या मतलब है कि व्हेन द ट्रेट डिस्प्लेस द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, यानी कि व्हाट इज द ट्रेट इफ इट डिस्प्लेस द इनकम्प्लीट डोमिनेंस देन द फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो इट रिमेन्स द सेम। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द जीनोटाइप हैज इट्स ओन फिनोटाइप, तो दैट वर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो दैट आई कैन राइट ऑल्सो लाइक इफ अ ट्रेट incomplete dominance displays incomplete dominance then the phenotypic as well as genotypic ratio will be same. क्यों ऐसा होता है, because each genotype has its own phenotype. Okay, तो that statement you have to keep in mind. Okay, so if any trait displays the incomplete dominance, then the phenotypic ratio as well as genotypic ratio it will remain the same. क्लियर, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ईच जीनोटाइप हैज इट्स ओन फिनोटाइप, बिकॉज ऑफ दैट द जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशियो इट विल रिमेन सेम, क्लियर। लेकिन यही चीज अगर हम लोग मेंडल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखते थे, जो हमें जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो मिलता था वो क्या मिलता था, 3:1, मीन 3 टॉल होते थे और जो 1 था वो ड्वार्फ था, क्लियर। और उसका हम लोग जीनोटिपिक रेशियो तो हमें क्या मिलता था, 1:2:1, 1 क्या था होमोजाइगस टॉल होता था, ओके, 2 क्या थे वो हेटरोजाइगस टॉल होते थे, हेटरोजाइगस टॉल, और 1 क्या था वो होमोजाइगस ड्वार्फ F2 जनरेशन में, ओके। तो यहां पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, जो आपका फिनोटिपिक रेशियो जो जीनोटिपिक रेशियो इट इज सेम, इट विल बी 1:2:1 फॉर फिनोटिपिक आल्सो एंड 1:2:1 फॉर जीनोटिपिक आल्सो, ओके। तो यही क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज
इट इज ऑल्सो नोन ए ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो. ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस. तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस. ओके ठीक है. अब ये क्यों हो रहा है ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जो दो कलर हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्योर पर्पल देखा था और जो प्योर व्हाइट देखा था, ठीक है, ये दोनों कलर क्या हुए, इट गेट ब्लेंडेड इन द हेटेरोजाइगोट. ओके, तो दैट आल्सो वी कैन राइट ब्लेंडिंग ऑफ एनी इनहेरिटेंस एज द टू कलर ब्लेंडेड इन द हेटेरोजाइगोट. तो दैट स्टेटमेंट आल्सो यू हैव टू कीप इन द माइंड. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपको याद रखना, इफ अ ट्रेट डिस्प्लेज इन कंप्लीट डोमिनेंस देन अ फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो इट विल बी अ सेम बिकॉज ईच जीनोटाइप एड्स इट होन फिनोटाइप. क्लियर. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस एज द टू कलर ब्लेंडेड इन द हेटेरोजाइगोट. देखिए ये हेटेरोजाइगोट आपका, इसमें क्या हुआ, जो दो कलर हैं जैसे कि प्योर पर्पल और प्योर व्हाइट, इट गेट ब्लेंडेड इन द हेटेरोजाइगोट. ओके, दैट्स व्हाई हियर द न्यू कलर कम. तो द न्यू कलर वॉज is violet. Okay, so all this is the basic concept behind the incomplete dominance. Okay, so this is a concept behind the incomplete dominance and how it varies from the Mendel law of segregation or the monohybrid cross. ओके okay, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट का और उसके बाद हमने उसका क्रॉस करा के देखा कि वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि जो दो हम लोगों ने दो कलर लिए थे, पर्पल कलर का जो हम लोगों ने पेरेंट लिया, जो व्हाइट कलर का पेरेंट लिया है, तो एफ वन जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल पी स्मॉल पी टाइप के प्लांट्स मिले. उसका जब हम लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो हमें क्या मिले, एफ टू जनरेशन में फोर प्लांट ऑप्टेन हुए जिसमें से कैपिटल पी जो था वो प्योर पर्पल था, स्मॉल पी जो प्योर व्हाइट था, लेकिन जो दो और प्लांट मिले हमें कैपिटल पी स्मॉल पी वो हमें वायलेट मिले, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया. ठीक है, अब ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इफ अ ट्रेट डिस्प्लेस कंप्लीट डोमिनेंस देन द फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो विल बी अ सेम. ओके, तो हम लोगों ने जब उसका रेशियो देखा, फिनोटिपिक रेशियो देखा और जीनोटिपिक रेशियो देखा, तो हमें वो रेशियो सिमिलर मिला. क्लियर, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं थे रेशियो में, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम मिला. और उसके साथ ही जो ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस जो कि एक टर्म है विच इंडिकेट दैट टू कलर गेट ब्लेंडेड इनटू द हेटेरोजाइगोट. ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें वायलेट कलर का प्लांट मिला. जैसा आप लोगों ने बहुत भी पढ़ा देखा होगा कि अगर आप दो कलर को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि आप रेड और व्हाइट को मिक्स कर दें, तो आपको जो नया कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पिंक कलर. ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ क्या हुआ, अगर पर्पल और व्हाइट को आपने मिक्स किया है तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, वायलेट. क्लियर, तो ये क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मेन कॉन्सेप्ट और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो दिस वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, दैट एग्जांपल इज फूड कलर ऑफ एग प्लांट. अब सेम चीज को हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं मिराबली जलापा का, जिसे हम लोग फोर ओ क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें ये कैसे शो होता है. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है फ्लावर कलर ऑफ मिराबलिस जलापा. इट इज ऑल्सो नोन एज फोर ओ क्लॉक प्लांट. क्लियर, तो इसे हम लोग फोर ओ क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं. तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, रेड कलर के फ्लावर भी होंगे, व्हाइट कलर के फ्लावर भी होंगे और जो पिंक कलर के फ्लावर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो वो क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इन्हें जनरेशन टू जनरेशन जब भी पास होता है तो इन्हें न्यू कलर का फ्लावर भी नहीं मिलता है, जैसे पिंक कलर. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो प्योर रेड कलर का जो प्लांट है या पेरेंट है उसे हम लोग क्रॉस कराएंगे, प्योर रेड उसे हम लोग क्रॉस कराएंगे प्योर व्हाइट पेरेंट के साथ.
प्योर वाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्योर रेड का जो पेरेंट है उसे क्रॉस कर दिया प्योर वाइट का पेरेंट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा एफ वन जनरेशन में, हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है। इससे कैपिटल आर गैमेट आया, इससे स्मॉल आया, तो हमें प्लांट्स मिलेंगे जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। तो एफ वन जनरेशन में हमें ये जीनोटाइप मिलेगा, इस जीनोटाइप का हमें प्लांट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी जीनोटाइप का जो प्लांट है उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका हमने सेल्फिंग कर दिया। अब इसके जो गैमिट्स आएंगे उसका हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसे हम लोग क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर वी विल डू दिस। सो लेट्स सी व्हाट आर द गैमिट्स विच वी विल गेट इन द एफ टू जनरेशन। सो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर एक इस जीनोटाइप का प्लांट मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिलेगा स्मॉल आर, ठीक है। तो हमें जो प्लांट्स मिलेंगे उसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, ठीक है। अब इसमें भी देखने वाली बात क्या है कि जहाँ पर भी आपको कैपिटल आर मिले होमोजाइगस रेड, ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट होगा वो रेड फ्लावर का होगा, उसका जो फ्लावर कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। स्मॉल आर होगा तो वहाँ पे जो फ्लावर का कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है। और अगर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप का प्लांट मिले तो यहाँ पे जो फ्लावर का कलर होगा वो क्या होगा, पिंक, क्लियर। तो इसमें देखिए, जब भी हम लोग कोई प्योर रेड कलर का जो पेरेंट है उसका क्रॉस कराएंगे प्योर वाइट कलर के पेरेंट के साथ, तो हमें जो प्लांट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर उसका जीनोटाइप होगा, और उसी का अगर हम लोग क्रॉस करा दें सेल्फिंग करा दें तो हमें जो फोर प्लांट्स मिलेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने प्लांट जो हैं वो रेड कलर के होंगे, कितने प्लांट जो हैं उनका फ्लावर कलर रेड होगा, और कितने फ्लावर का जो कलर है वो वाइट होगा, और कितने जो फ्लावर्स हैं उनका कलर पिंक होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जीनोटाइप बताया कि अगर आपको इस टाइप का जीनोटाइप मिले किसी भी जनरेशन में तो प्लांट का आप कलर जो है, प्लांट के जो फ्लावर का कलर है वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको कैपिटल आर मिला, इसका मतलब क्या है कि होमोजाइगस है, ठीक है, यानी इसमें दोनों एलील्स क्या है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा उसका फ्लावर का कलर होगा रेड, क्लियर, रेड। सेकेंड, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है यानी कि इसका जो फ्लावर का कलर होगा वो क्या होगा, पिंक, क्या होगा, पिंक। थर्ड प्लांट में जो फ्लावर कलर होगा वो भी क्या होगा, पिंक, क्योंकि इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। अब जो चौथा प्लांट होगा उसका देखिए स्मॉल आर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, प्योर वाइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दोनों एलील्स हैं वो स्मॉल आर हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको, वाइट, ठीक है। अब इसी का हम लोग फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, तो वो क्या क्या मिलेगा, तो लेट्स सी फिनोटिपिक रेशियो एंड द जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो रेड पिंक वाइट, रेड पिंक वाइट। तो हमने जैसे कि पहला एग्जांपल जो देखा था फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट में, तो उसमें हमें 1:2:1 का रेशियो मिला था, तो इसमें भी हमें सेम मिलेगा, रेड कितना है 1, पिंक 2, वाइट कितना है 1। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमें क्या मिला, 1:2:1। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो कितना होगा, 1:2:1, क्लियर। तो इस केस में भी अगर आप लोग फ्लावर कलर ऑफ मिराबली जलापा का एग्जांपल लेंगे तो इसमें भी आपको जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा एंड द जीनोटिपिक रेशियो इट विल बी अ सेम, दैट इज 1:2:1, क्लियर। यानी कि आपके एफ टू जनरेशन में ये जो सारे प्लांट्स हैं, ये सारे जो प्लांट्स उनका तो फ्लावर कलर है एफ टू जनरेशन में, उसका रेशियो क्या होगा, 1:2:1, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि हम लोग मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ऑलरेडी बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि अगर कैपिटल टी हम लोग ने हाइट का एग्जांपल लिया था, तो अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो प्लांट क्या होता, वो टॉल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि फ्लावर जो फ्लावर कलर है वो रेड क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेयर ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस, ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस द टू कलर्स दे गेट ब्लेंडेड इन द हेटरोजाइगोट, ओके, तो इसमें जो दो कलर थे इट गेट ब्लेंडेड इन द हेटरोजाइगोट एंड देन इट फॉर्म्स अ न्यू कलर फ्लावर, दैट्स व्हाई वी गॉट हेयर द पिंक कलर, ओके। तो इसके लिए भी आपको दो जो मेन पॉइंट्स है वो रिमेंबर करने हैं, जैसे इफ अ टेट डिस्प्लेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस देन द फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो इट विल बी अ सेम, बिकॉज एवरी जीनोटाइप हैज इट्स ओन फिनोटाइप,
ओके सेकंड क्या था, द ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस एज द टू कलर दैट इज प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट, ओके इट गेट ब्लेंडेड इन द हेटरोजाइगोट। तो हेटरोजाइगोट में क्या हुआ, इट गेट ब्लेंडेड बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू कलर ऑफ फ्लावर फॉर्म, ओके और दैट कलर इज पिंक, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, दिस ये डेविएट कर रहा है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो रेशियो आता था वो हमें क्या मिलता था, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो मिलता था। अगर हम टॉलनेस की बात कर, टॉल का एज अ कैरेक्टर लें, और जो 1:2:1 जो रेशियो मिलता था वो मिलता था हमें F2 जनरेशन में, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो यही क्या है, इट इज दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट विल द लाइक फिनोटिपिक एंड द जीनोटिपिक रेशियो एंड व्हाई देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ वन मोर कलर टेक्स प्लेस इन द F2 जनरेशन, ओके। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो यू पीपल हैव टू रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और आपको अगर मेरा वीडियो भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।